बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलाम अलैकुम। मैं मुहम्मद असद तबदीब तो अपने वीर भरावान वास्ते इनफॉर्मेशन शेयर कर लाँ कि एक तबूक तो कल चार बंदे फड़े गए हैं तो एक यंबो तो पाकिस्तानी फड़िया गया है। पाकिस्तानी जिहड़ा फड़िया गया वो ड्रग्स के काम च फड़िया गया। सदरे च मेरे भरावो कभी भी आओ, मेहनत करने वास्ते आओ, कभी ड्रग्स का ऐसा काम ना करया जे, बिल्कुल भी कभी ना करया जिहदे विच तुहानू मुश्किलात का सामना पेश आवे तो सारी उम्र वास्ते सबदीर तुसीं जा नहीं सकते। सब तो वड्डी गल है ड्रग्स इन्हों को बरामद हो गई, सबूत पक् हो गया, साबित हो गया, तो जनाब इन्ह के सर कलम ही होने ने। यह जिंदा पाकिस्तान नहीं जा सकता क्योंकि इन्होंने एक स्वाद पै गया पैसे का। इन्होंने अपने मुल्क भी जाके काम करना जो सबदीर अब इन्होंने छड़े कि कोई भी बंदा हो, चाहे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, किसी भी कंट्री का बंदा हो, जनाब उन्होंने जो मतलब इस तरह के हराम काम के पैसे का स्वाद पै जाए वो जरूर कोई फिर जाके जरूर अपने मुल्क भी काम करेगा। इस वास्ते सबदीर यह सजा है कि जेडे बंदे कोई साबित हो जाए जनाब वह सर कलम होना ही होना। इन्होंने सजाए मौत है, सजाए मौत तो इलावा इन्हों का कोई हल। तो उम्मीद है कि मैं जरा एक होर चार तीन सऊदी फड़े गए हैं तबूक शहर के एक अथोपी फड़िया गया जिन्हों के कोलों सोना भी फड़िया गया, गन्ना भी इनिया गुडिया फड़िया गई। मैं वीडियो के शेयर भी करके विखा देना वा, तुम्हें पता भी लग जाएगा। इस वीडियो के मैं विखाना एक वीडियो। قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك على 4 مروجين للمواد المخدرة، وهم مخالف لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الإثيوبية، وثلاثة مواطنين اتخذوا منزلين مجهزين بكاميرات مراقبة وكرا لعملياتهم الإجرامية وإخفاء سمومهم. قبض فيهما 1138 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدر ومادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وممنوعات وأسلحة نارية وبيضاء وطلقات حية وأجهزة تسجيل كاميرات وهواتف متنقلة ووثائق رسمية وبطاقات بنكية ومصوغات ذهبية ومبلغ 4,1573 ريالا، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. उस तो बाद इन्हां कोलों रियाल भी रियाल किन्ने फड़े जाते हैं 4,1870 रुपये फड़े जाते हैं। यार इन्ने पैसे 4,1870 रुपये इन्हां दे कोलों फड़े जाते हैं। बाकी सोना भी इन्हां को फड़िया जाता है। उस तो बाद इन्हां कोलों गन्ना भी इन्नी इन्नी हैवी गन्ना फड़िया जाती हैं। उस तो बाद जनाब इन्हां कोलों गोलियां बड़ियां बरामद होंदियां ने। उस तो बाद कैमरे मोबाइल यानी काफ़ी कुछ इन्हों को बरामद होंगे है। जो तबूक शहर के कल की वीडियो कल दे जी वीडियो ना सऊदी अरब की महकमा पुलिस यानी सिक्योरिटी इदारे ने शेयर की है जी वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट के उत्ते, मैं वो भी थोड़े नाल शेयर की है। तुम वेखो कि की सूरत हाल है, मतलब इतने सऊदी अरब लोग जड़े ने इतने काम करते हैं। यार डर खौफ है कोई कोई भी नहीं कि सऊदी अरब अंदर रहने के बावजूद असं इदा काम करा सा सजा होगी कि अभी वापस अपने पाकिस्तान मुल्क जा सकते हैं। ए वेखो हूँ यंबो च बंदा जो फड़िया गया पाकिस्तान, ये सबदी रूप चल अलहमदुल्ला ऑपरेशन हो रहा तो बहुत अच्छा काम है कि सफाई हो रही है, यह गंद बिल्कुल खत्म हो जाए तो बहुत वधिया गल, बहुत ही अच्छी गल है। सबदी रूप अंदर जो गंद खत्म हो जाए, जो ड्रग्स चरस है जो काम बिल्कुल, तो ज़्यादातर 15 दिन हो गए हैं। मतलब अभी वीडियो बना डे मुसलसल, अज फलाने शहर च फड़े गए, कल फलाने शहर च फड़े गए, कल उस शहर च फड़े गए, अज कल यंबो च फड़िया गया पाकिस्तानी, उस तो बाद परसों फड़े गए हैं जनाब इतों सकाका तो पाकिस्तानियाँ 10 बंद का ग्रुप है जो तौबा करनी चाहिए। इस ग्रुप की बंदे यार काम करते हैं सबदी रूप चाहते तुम मेहनत मजदूरी करने वास्ते किड़े पंगे ने पे हो कि काम शुरू किए यार काम ठीक है भला, तो सूँ कमेंट करके भी जरूर दसिया जी कि इन्होंने पाकिस्तानी का की इलाज होना चाहिए। पाकिस्तान अपने मुल्क जे इन्होंने सबदी घूम छड़ भी देती है तो इन्होंने स्वाद पै जाना फिर जाकर अपने पाकिस्तान मुल्क ही इन्होंने ये काम शुरू करने। इन्हों का बेहतर हल सऊदी हुकूमत ही करेगी, पाकिस्तान जाएंगे फिर पैसे दे के छुट जाएंगे, लेकिन सऊदी हुकूमत को इन्हों का बेहतरीन हल है। वो जानती कि इन्हों के नाल की करना, इन्हों का की सलूक है, जे ये दुनिया के जा घूम फिरनगे दुनिया के रहनगे तो फिर इन्हें की काम शुरू करने जाके। इस वास्ते सऊदी अरब बेहतर साढ़े तो तुहाडे तो जानता है। हुकूमत अलहमदुल्ला बेहतरीन इकदाम करती, जो भी सऊदी हुकूमत करती असं इतने बड़े बड़े खुश हाँ। अलहमदुल्ला सऊदी अरब बड़े सेफ हाँ, अपने आप बड़े खुशकिस्मत समझने,
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਇੱਕ ਸੇਫ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।